नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत है ई एकेडमी 123 पर। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 370 और 35A के बारे में। ठीक है, तो ये इसी का ही आर्टिकल यूँ कह सकते हो, जैसे इसका अपेंडिक्स है। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है इस बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत में लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाएगी कि जो पहले का स्ट्रक्चर था, यानी जब 370 वहाँ पर लागू थी और 35A लागू थी, तो वहाँ पर क्या क्या जो पॉलिटिकल बैलेंसेस था या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था, वो सारी चीज़ पहले क्या थी और अब जब बायफर्केट हो गया, यानी J&K एंड लद्दाख की अगर अपन बात करें तो दो UT बने, इनके बीच में अब क्या होगा या ये कैसे ऑपरेट होंगे, ये सारी चीज़ बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन स्टार्ट करें तो कहने का अर्थ कि ये जो था इसके अंदर पहले 370 थी और प्लस 35A इसी के अंदर से निकल कर आती है ये। ठीक है, ये इसका का अपेंडिक्स कह सकते हो। और ये जब थी तो इसकी वजह से वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो कि अगर मैं काउंट करूँ तो, जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि जो वहाँ का विधानसभा का कार्यकाल था, या फिर वहाँ जो एक राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो है कि वहाँ पर और कोई बाहर से जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता है, या फिर वहाँ की महिला अगर किसी रेस्ट ऑफ द इंडियन से शादी करती है तो फिर वहाँ की जो कुछ होता है वो नहीं रह पाती। ठीक है, तो कहने का अर्थ कि और वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है और वहाँ का अपना फ्लैग होता है। ठीक है, तो ये जो जो ड्यूअलिटी थी, ये जो द्वैत था कि भारत में रहकर भी भारत से थोड़ा सा अलग है, तो वो एक चीज़ है, एक यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए जो एक एक हुआ है, जो एक पहल हुई है, जो कि हमारे गृहमंत्री जी ने कल जैसा कि राज्यसभा में कहा कि ये कुछ है। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये वहाँ से हो सकता है, इतनी जगह से इस बिल को पास कराना पड़ेगा, इतनी जगह से इसका अनुमोदन चाहिए, या फिर इसको काउंटर करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसको वहाँ से भी, जो वर्तमान मौजूदा है जो भी सरकार है या स्टेट्स की हैं, उनसे भी हमें अनुमोदन चाहिए इस प्रकार से। लेकिन जैसा कि जो मेन एक्सपर्ट्स हैं संविधान के जानने वाले, उनका कुछ कहना है कि ये केवल और केवल राष्ट्रपति जी के ऑर्डर, यानी एक सिग्नेचर से, एक साइन मात्र से ये संभव है। एक आर्टिकल को छोड़कर बाकी सभी को हम क्या कर सकते हैं, उस पर रीऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं उनको ज़्यादा उनके परिप्रेक्ष्य में। अब यहाँ पर अफवाह क्या आ रही है, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं कि ये हटने से, यानी 370 मान लो कि हटा और 35A हटा, तो ये चीज़ें क्या होगी कि वहाँ पर कुछ चीज़ें उनके साथ वो तकलीफ आएगी। वैसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जितनी ज़्यादा आज कैसा है ग्लोबलाइजेशन का दौर है और जितने ज़्यादा बाहर से लोग आते हैं तो वो सब कुछ वहाँ से नहीं ले जा सकते, जब अंग्रेज ही नहीं ले गए सभी, तो ये क्या चीज़ है। तो कहने का अर्थ है कि भारत के अगर भारी लोग वहाँ पर एंट्रेंस करते हैं तो वहाँ पर जो बिजनेस डेवलप होता होगा, जो जॉब्स डेवलप होगी या जो कुछ भी होगा, वो सब वहाँ के स्थानीय लोगों को ही फ़ायदा होगा इससे। तो वैसा नहीं है कि अगर ये आता है और इसके सारे जो दरवाजे हैं भारत के लिए खुल जाते हैं और बाकी लोग अगर वहाँ पर जाते हैं, एंट्रेंस करते हैं और वहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं, कुछ जॉब्स क्रिएट करते हैं या जो भी कुछ ज़मीन खरीदते हैं, प्लांट लगाते हैं, मॉल्स खोलते हैं, तो इनमें वैसा नहीं है कि वहाँ के लोगों का नुकसान होगा, वहाँ की तरक्की और भी ज़्यादा बढ़ेगी वर्तमान के कंपेरेटिवली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स पहुँचेंगे, ज़्यादा बड़े पैमाने पर तकनीक पहुँच पाएगी, ज़्यादा बड़े पैमाने पर वहाँ पर रिसोर्सेज जनरेट हो पाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि वहाँ पर सारी चीज़ें अब की तुलना में ज़्यादा डेवलप होगी, ज़्यादा फायदा होगा और उनको साथ में लेकर होगा, क्योंकि बहुत सारा काम जो बाहर से जाएंगे वो कितने जाएंगे, कोई फोर्स की तरह तो जा नहीं सकते कि वहाँ सभी जाकर रहने लगे, तो जो काम होगा वो वहीं के लोगों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो उनके रोज़गार के चांस और ज़्यादा बढ़ेंगे, न कि कम होंगे जैसा कि अफवाह फैलाई जा रही। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि उनका उत्थान, उनका डेवलपमेंट पहले की तुलना में लगभग दुगना या ढाई गुना ज़्यादा होने की संभावना है। तीसरी बात निकल कर आती है कि J&K को जो बाइफर्केट किया गया, तो J&K तो ये कैसा होगा, ये आप कह सकते हो कि जिस प्रकार से आप इसके अंदर देखना चाह रहे हो कि जैसे दिल्ली हुआ है या फिर पांडिचेरी हुआ, जिसका एक अपना विधानसभा होगा, एक अपना लेजिस्लेटिव होगा, जिसको वो क्या करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को वो खुद
क्या करेंगे, चयन करेंगे, ठीक है, उनको इलेक्ट करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि इसके जो अगर अपन बात करते हैं, तो मैं अगर सबसे पहले जे एंड के की बात करूं और एक लद्दाख की बात करूं, तो इसका एक अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और ये एक फेडरल नेचर का होगा। जैसे कि आप कह सकते हो कि चंडीगढ़ हो गया अपना, दादर एंड नगर हवेली हो गया, एंड सो ऑन हो गया। और इसकी अगर मैं बात करूं, तो इसका एक अपना विधानसभा होगा, लाइक दिल्ली, लाइक आप पौंडीचेरी यू कैन से। तो इस टाइप से जो चीज़ें हो रही, तो ये होना है। तो कहने का अर्थ है कि एक पॉलिटिकली रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ है इस स्टेट का है, और उसके बाद वहाँ पर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट आएगा, वो भी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली, यानी नेक्स्ट जो कहें हम, तो वो चीज़ें भी इसके लिए फ़ायदे की ही है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट। और अब क्या होगा, ये सब कुछ होने के बाद अब जो होने वाला है कि वहाँ पर 370 रिमूव और 35A को आप कह सकते हो कि ये भी रिमूव। अब वहाँ पर कोई भी जाके क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, और वहाँ पर जॉब्स और प्लांट्स और इन सारी चीज़ों की जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है, वो सारी वहाँ पर इनिशिएट हो सकती है। और वहाँ पर जो विधानसभा कार्यकाल 6 साल का था, वो घटकर 5 साल का हो जाएगा, और एक अपना फ्लैग होगा, ठीक है, वहाँ पर। और राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट वहाँ पर क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि भारत के लिए एक अच्छी थी और अच्छी है, और जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिनेरियो से भी अगर इसको देखें, तो ये आ सकता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में विज़न क्लियर रखेगा, और किस आर्टिकल को कैसे जैसे ही आते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।